समझ सकती हूँ मैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के बॉडी स्क्रब देख करके आप कंफ्यूज हो जा रहे हो कि ये वाला बॉडी स्क्रब परचेस करूँ या ये वाला बॉडी स्क्रब करूँ परचेस करूँ, और इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि कभी कभी या तो दोनों परचेस कर लेते हो और बाद में अफसोस करते हो, या फिर ऐसा होता है कि बस आप सोचते ही रह जाते हो और बॉडी स्क्रब परचेस नहीं कर पाते हो। तो अगर आपकी ये परेशानी है तो इस परेशानी का सलूशन आपको आज के वीडियो में मिलने वाला है। दूसरी परेशानी ये होती है कि बॉडी स्क्रब तो परचेस कर लेते हो आप भैया, चाहे 1000 का हो, 2000 का हो, 5000 का हो, 10000 का हो, या फिर 500 रुपये का क्यों ना हो, स्क्रब तो परचेस कर लेते हो, उसको लगा भी लेते हो, बट आपकी बॉडी में वो फ्रेशनेस जो है आपको नहीं फील होता है। आप सोचते हो ये भगवान इतना तो पैसा मेरा बर्बाद हो गया। तो आपकी ये परेशानी का भी सलूशन आज के मीन्स वीडियो में लेकर के आई हूँ। एक ऐसा बॉडी स्क्रब लेकर के आई हूँ जो चेहरे से लेकर के पैर तक, यानी कि सर से लेकर के पैर तक अगर आप लगाते हो, यकीन करें आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगने वाला है। आपकी स्किन हद से ज़्यादा ग्लोइंग होने वाली है, ब्राइट होने वाली है, खूबसूरत होने वाली है, स्किन से ना प्यार हो जाने वाला है। एक ऐसा बॉडी स्क्रब है जो कि डिटैन का काम करने वाला है। सिंपल लैंग्वेज में ये एक ऐसा बॉडी स्क्रब है जो डिटैन का काम करने वाला है, साथ ही साथ आपके चेहरे में इतना ज़्यादा ग्लो भर देने वाला है कि पार्लर में जाकर के अगर आप डायमंड फेशियल करा के आते हो और अगर आपको लगता है कि डायमंड फेशियल कराने से मेरे चेहरे पे वो ग्लो प्राप्त होगा, तो आपको वो वाला जो ग्लो का जो की जो कमी है आपको इस फेस पैक से मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात, आपको ज़्यादा स्ट्रिप करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी फेशियल पैक, मैं फेशियल अगर आप सबके साथ लेकर के आती हूँ तो उसके 2-3 स्टेप हो जाते हैं, बट ये ऐसा है जिसमें सिर्फ एक स्टेप है और एक स्टेप ही परिपूर्ण है, 100% परफेक्ट है आपके चेहरे के ऊपर डायमंड वाला ग्लो लाने के लिए। तो सुपर से भी ऊपर वाला ये फेस पैक है जो सर से लेकर के पैर तक लगा सकते हैं, अपनी खूबसूरती में 4 चांद लगा सकते हैं। तो भाई आज का वीडियो देखना तो 100% मस्ट है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे, और दिल से स्वागत है आप सबका आपके खुद के यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी विद छवि में, और मैं हूँ आपकी प्यारी दुलारी न्यारी सी छवि। अगर फर्स्ट टाइम मुझसे जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे सब्सक्राइब कर दें, बाद में एक बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कर दें। उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। जब भी बेल आइकॉन को क्लिक करें तो ऑल के ऊपर क्लिक करें। ऑल के ऊपर क्लिक करने के फायदे ये है कि मेरे शॉर्ट्स के भी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल के ऊपर चल रहा है गिव अवे। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना। एक बार अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाते हो तो सारे रूल और रेगुलेशन आपको पता चल जाएंगे, जो कि ईजिली आप इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर पाओगे। मेन टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, सुपर से भी ऊपर वाले बॉडी स्क्रब को बनाने के लिए के पहले एक बात, लास्ट बात और कह देती हूँ, क्योंकि मैं अभी बिजी रहने वाली हूँ, यानी कि सैटरडे टू ट्यूसडे मैं बहुत 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 ज़्यादा बिजी रहने वाली हूँ। तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं फेस के ऊपर अप्लाई करके भी आपको दिखा दूँगी, बट अगर मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं आपको इतने अच्छे से बताऊँगी कि आपको अगर आप लगाते हो तो यकीन करें रक्षाबंधन में आपकी स्किन इतनी ज़्यादा ग्लो करेगी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो चलिए देर नहीं करते, सुपर से भी ऊपर वाले फेस पैक को बनाने के लिए जो आपको फर्स्ट इंग्रेडिएंट चाहिए दोस्तों, वो चाहिए हनी। हनी मेरा पर्सनल फेवरेट इंग्रेडिएंट है, तो मैं आपको कहूँगी कि अगर आपको भी हनी सूट करता है तो प्लीज़ हनी का इस्तेमाल इस पैक में ज़रूर करें। बट अगर आपको हनी सूट नहीं करता है तो आप ग्लिसरीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हनी आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है, फाइन लाइन रिंकल्स के ऊपर ऊपर काम करता है, आपकी स्किन के इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, जिससे ये होता है कि आपकी स्किन जो है ना लूज होने से बचती है। यानी कि आप देखोगे कि अगर आपके उम्र के बाकियों के चेहरे के ऊपर रिंकल्स दिखने लगे हैं, लेकिन आपके चेहरे के ऊपर वो रिंकल्स नहीं दिखेंगे, क्योंकि हनी जो है उसको अपने से आपसे जो है वो दूर करके रखने वाला है, ठीक है। तो हनी आपको ले लेना है 3 स्पून के करीब में, 2-3 स्पून के करीब में ले लेना है आपको। आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, जितना आप चाहते हो उतना बढ़ा सकते हो, सिर्फ अमाउंट जितना मैं बोल रही हूँ उतने अमाउंट को आपको ध्यान में रखना है। सेकंड जो इंग्रेडिएंट आपको लेना है दोस्तों, वो आपको लेना है साबूदाना पाउडर। साबूदाना पाउडर, वही साबूदाना जिसके हम लोग खिचड़ी बनाते हैं, खीर बनाते हैं,
में साबूदाना बड़ा बनाते हैं, तो साबूदाना जो है हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और स्किन से डेड स्किन को दूर करता है, ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स की परेशानी को दूर करता है बिना स्किन को हार्म किए हुए। मार्केट के बहुत सारे ऐसे स्क्रब होते हैं जिसको अगर आप लगाते हो तो आपको कभी कभी लगता है कि आपकी स्किन जो है ना थोड़ी सी छिली छिली सी हो गई है, लेकिन ये एक ऐसा स्क्रब है जिसके लगाने से आपकी स्किन एकदम से डैमेज नहीं होगी, आपकी स्किन और भी ज़्यादा फ्लॉलेस ग्लोइंग और ब्राइट होने वाली है। तो साबूदाना आपको ले लेना है और अच्छे से उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर देना है। जब वो अच्छा सा एकदम पाउडर बन जाता है उसके बाद आपको इस पैक में इस्तेमाल करना है। साबूदाना पाउडर लेना है आपको 1 स्पून। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो ऐड करना है राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा। चावल का आटा हमारी खूबसूरती में 4 चांद लगाता है, हमारी स्किन को फ्लॉलेस बनाता है, ग्लोइंग बनाता है, ब्राइट बनाता है, स्पॉटलेस बनाता है, डेड स्किन को रिमूव करता है, ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स की परेशानी को दूर करता है। मतलब क्या ही मैं बताऊँ, कोरियन ब्यूटी का राज है भैया चावल का आटा। तो मैं इसके बारे में जितनी तारीफ करूँ उतना कम है। तो राइस फ्लावर आपको ले लेना है 2 स्पून के करीब में, 2 चम्मच का लेना है राइस फ्लावर। अब जो दोस्तों इसके अंदर आपको नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो ऐड करना है कॉफ़ी। जहाँ कॉफ़ी की बात आती है अपने आप में कंप्लीट वर्ड आता है, जैसे चावल का आटा अपने आप में कंप्लीट है वैसे ही कॉफ़ी भी अपने आप में कंप्लीट है। इसके मतलब ये ऐसा एक इंग्रेडिएंट है कि इसको सिर्फ इसको भी अगर आप अपने चेहरे के ऊपर लगा लेते हो तो भी आपको आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा फर्क दिखेगा, बट ये सारे इंग्रेडिएंट के साथ लगाते हो तो कमाल का रिजल्ट आएगा। कॉफ़ी के अंदर होता है कैफीन जो हमारी स्किन को वाइटन करता है, ब्राइटन करता है, लाइटन करता है, टाइटन करता है, पोर्स को भी श्रिंक करता है। यहाँ तक कि अभी मुझे पता चला है, मैं जब बहुत सारे रिसर्च अपने चेहरे के ऊपर की हूँ तो मुझे ये भी दिखा है कि यहाँ तक कि आपके डार्क सर्कल को भी बहुत हद तक जो है वो कम करता है ना, तो बहुत बेहतरीन होता है। तो कॉफ़ी पाउडर आपको ले लेना है, कॉफ़ी पाउडर ले लेना है आपको 1 स्पून। अब क्या करना है दोस्तों, इन सबको करना है एकदम अच्छे से मिक्स कर ले। उसके बाद इसके अंदर आपको कुछ भी और नहीं ऐड करना है, इन सबको एकदम प्यार से दुलार से आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। एकदम कॉफ़ी एकदम घुल मिल जाए राइस के अंदर, है ना, एकदम हनी घुल मिल जाए, उतने अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, इसे कम से कम 10 मिनट्स के लिए है ना वो छोड़ देना है, 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, तो और भी ज़्यादा ये अच्छा हो जाएगा। आप चाहे तो तुरंत लगा सकते हो या फिर 10 मिनट के लिए छोड़ सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, अपने साफ़ सुथरे फेस के ऊपर कुछ भी लगा नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं है ना, साफ़ सुथरे फेस के ऊपर और नेक के ऊपर आपको लगा लेना है। तो पूरे बॉडी के लिए मैं बनाई हूँ, तो पूरे बॉडी में जब आप सार लेने जाने वाले होते हो तो 1 मिनट तक मसाज करें, हल्के हाथों से स्क्रब करें और सार ले लें। और चेहरे के ऊपर और गर्दन के ऊपर कम से कम 15 से 20 मिनट तक आपको रखना है, अंडर आई नहीं लगाना है। अंडर आई तभी आप लगा सकते हो जब आप इजिली इसको क्लीन कर सको, अंडर आई एकदम सॉफ्टली आप निकाल सको तभी आपको लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है। अगर कर सकते हो तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 15 से 20 मिनट के बाद क्या करना है, हल्के हाथों से मसाज करते हुए फेस को वॉश कर लेना है। जहाँ फेस को वॉश करके आते हो आपको आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा फर्क दिखता है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग ब्राइट और खूबसूरत दिखती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। दोस्तों जब भी फेस को वॉश करके आते हो उसके बाद आपको रोज़ वाटर, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसको हफ्ते में कितने बार लगाएं, तो अगर हफ्ते में 2 से 3 बार लगाते हो तो सफिशियंट है, उससे ज़्यादा लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। लगाने की उम्र की बात है तो देखो बेटा, अगर आपकी उम्र हो गई है 11 साल की तो आराम से इससे लगा सकते हो हफ्ते में 2 बार, उससे ज़्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं है। और आपको अपने चेहरे के ऊपर सिर्फ 10 मिनट रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। मुझे लगता है मैं सब कुछ बता चुकी हूँ, फिर भी अगर आपको लगता है कुछ बताना रह गया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं फ्री रहूँगी आपके कमेंट के रिप्लाई करूँगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।